टिड्डी दल और कोरोना के बाद बारिशें आवाम के लिए मुश्किल वक्त करार। सिंध ने विफाक से उम्मीदें लगा ली। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं सिर्फ कराची के 3 नालों की सफाई से काम नहीं चलेगा। उम्मीद है वजीर आजम पूरे सिंध के लिए रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगे। 2 साल बाद नजर आ रहा है वफाकी हुकूमत संजीदगी से कराची पर तवज्जो दे रही है। कराची का दौरा करने पर आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म साहब कल इंशाल्लाह ताला यहां पहुंचेगा, पूरा सुबह के लिए रिलीफ रिहैबिलिटेशन और रिकंस्ट्रक्शन का जो हमारे जरूरियात है वो हमारे उम्मीदों पे पूरे उतरेगा। सिंध हुकूमत के साथ वफाकी हुकूमत मिलके चलेंगे। 2 साल बाद अब हमें एक नजर आ रहा है कि शायद वफाकी हुकूमत कुछ सीरियसनेस के साथ पाकिस्तान की सबसे बड़ा शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो इवन दिस 800 बिलियन रुपी, अगर सुबह से 800 बिलियन रुपी खर्च कर रहा है वफाकी हुकूमत, हमें मैच करते हैं या डबल करते हैं। कराची के अवाम के काफी काफी मसाइल जो है उनमें शो सम इम्प्रूवमेंट, और खान साहब खुद कहता है कि जहां तक फंड रेजिंग है और वो पाकिस्तान में सबसे आगे हैं इसमें, अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि वो हमारे लिए फंड रेजिंग भी करेंगे जो सियासी पॉइंट्स स्कोरिंग के लिए, कि लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है, उनका वफाक चलता है।